नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 जून दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी मुस्लिम भाइयों एवं बहनों को बिहारी न्यूज की तरफ से बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलिए बढ़ते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के लिए जल्द से जल्द करे आवेदन। अब राज्य में तिल, तीसी और मोटे अनाज के बीज की नहीं होगी कमी। 29 जून को पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। विपक्षी एकता को मिला जोरदार झटका। वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी को लेकर सौरभ गांगुली का बयान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी ने 261 पदों के लिए निकाली भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से नियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, एयर वर्थनेस ऑफिसर, एयर सेफ्टी ऑफिसर, लाइव स्टॉक ऑफिसर, जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अन्य सहित 261 विभिन्न पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के लिए जल्द से जल्द करें आवेदन। IPRD बिहार की ओर से शेयर किए गए जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के लिए जो भी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वह 30 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत रोजगार सृजन अनुदान के रूप में 5,000 रूपए तक प्रति माह प्रति कर्मचारी दिए जाएंगे, तो वहीं पावर अनुदान के लिए 2 रूपए प्रति यूनिट, पूंजीगत अनुदान के लिए प्लांट एवं मशीनरी लागत का 15% जो कि अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। इसके अलावा माल भाड़ा प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक, पेटेंट अनुदान के रूप में 10 लाख रुपए तक और कौशल विकास अनुदान के रूप में 20,000 रूपए प्रति कर्मचारी दिए जाएंगे। इसके अलावा SGST की प्रतिपूर्ति पर 100% और स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और भूमि संपरिवर्तन शुल्क पर 100% छूट दी जाएगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800345-6214 पर संपर्क किया जा सकता है। जाने क्यों मनाई जाती है बकरीद। आज यानी कि 29 जून को पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। बता दें कि इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं, जिसका समय हर शहर में अलग अलग होता है। हालांकि आमतौर पर आज के दिन सूर्योदय के बाद नमाज अदा की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के दिन कुर्बानी इसलिए दी जाती है क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार आखिरी पैगंबर जो खुदा के प्रति अपने प्यार और विश्वास को साबित करने के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बानी देने का फैसला लिया गया था, लेकिन खुदा की करिश्मा से उनके बेटे की जगह तुम्बे की कुर्बानी हो गई। इसी घटना के बाद से ईद उल अजहा पर कुर्बानी दी जाने लगी। मालूम हो कि इस त्योहार को नर बकरे की कुर्बानी देकर मनाया जाता है। बता दें कि आज बकरीद को लेकर बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में नमाजियों के लिए खास व्यवस्था की गई है, ताकि नमाजियों को नमाज अदा करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। गांधी मैदान में वाहन से आने वाले नमाजियों को गेट नंबर 4 और 5 से अंदर आने का इंतजाम किया गया है। वहीं पार्किंग की व्यवस्था गांधी मैदान के अंदर की जाएगी। इसके अलावा पैदल आने वाले नमाजियों को गेट नंबर 1, 4, 5 और 10 से आने की अनुमति दी गई है। वहीं गांधी मैदान में सफाई, पानी, शौचालय, बैरिकेडिंग, बिजली, एम्बुलेंस व अन्य की भी चौक चबंद व्यवस्था की गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अनुरिता झा के बारे में। अनुरिता झा एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। उनका जन्म 17 सितंबर 1986 को मधुबनी, बिहार, भारत में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। उन्होंने मुंबई और दिल्ली में फैशन वीक में भाग लिया। अनुरिता ने 2012 में समा परवीन के रूप में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 से अपनी शुरुआत की। वह 2016 में मैथिली भाषा की फिल्म मिथिला मखान में भी दिखाई दी। वह परछाई, आश्रम और परिवार जैसी वेब श्रृंखला में भी दिखाई दी। 2005 में अनुरिता फोर सुपर मॉडल प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। 2006 में अनुरिता ने चैनल वी यानी गेट गॉर्जियस का खिताब अपने नाम किया था। 2010 में अनुरिता हिमालय फेस वॉश विज्ञापन में दिखाई दी थी। अनुरिता ने भोर नामक एक फिल्म में भी अभिनय किया था। 2020 में अनुरिता MX प्लेयर की चर्चित वेब सीरीज आश्रम के दोनों सीजन में बॉबी देवल और त्रिधा चौधरी के साथ नजर आई थी। बिहार के इंदस स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण 2025 तक हो जाएगा पूरा। बिहार के करीब 10 स्टेट हाईवे, जिसकी कुल लंबाई 462.065 किलोमीटर है, उसके चौड़ीकरण का कार्य करीब 5,153.11 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बिहार स्टेट हाईवे के चौथे चरण के तहत वर्ष 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि अगर इंदस स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो जाता है तो इससे राज्य के उन 16 जिलों को लाभ मिलेगा जो इस हाईवे से जुड़े हैं। इनमें गया, नवादा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, सुपौल, अररिया,
अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा जिला शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार की ओर से इन सभी का निर्माण एशियन डेवलपमेंट की मदद से करने की योजना बनाई गई है। पटना हाईकोर्ट ने वीवी के छात्रावासों की दयनीय स्थिति पर की सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी कृष्णन की खंडपीठ के द्वारा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों व उनके अंतर्गत कॉलेजों में छात्रों के हॉस्टलों की दयनीय हालत पर विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वे इस मामले पर की गई अब तक की कार्यवाही का ब्यौरा 14 जुलाई 2023 तक सौंपे। बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य के विश्वविद्यालयों व उनके अंतर्गत कॉलेजों में छात्रों के हॉस्टल की स्थिति काफी दयनीय है। उन हॉस्टलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे कि छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके प्रभाव छात्रों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए सारे सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि उन्हें रहने और पढ़ने के लिए सही माहौल मिल सके। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 14 जुलाई 2023 को की जाएगी। 1,10,000 रिश्वत लेते इंजीनियर को निगरानी ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। इन दिनों निगरानी विभाग घुसखोर कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है। बता दें किसी के तहत निगरानी की ओर से बिहार के किशनगंज से एक भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें गिरफ्तार किया गया कर्मचारी भवन निर्माण विभाग मुख्यालय के कार्यपालक अभियंता प्रवीण कुमार है, जिसे बीते दिन निगरानी के द्वारा 1,10,000 रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। निगरानी टीम के इस कार्रवाई से जबरदस्त हड़कंप मच गया है। बता दें कि प्रवीण कुमार के खिलाफ ठेकेदार के द्वारा शिकायत की गई थी। दरअसल ठेके पर सरकारी काम को पूरा करने के बाद ठेकेदार के बिल का भुगतान होना था। ऐसे में 5% रुपए का भुगतान होना बाकी था। इसे जारी करने में एवज में प्रवीण कुमार के द्वारा ठेकेदार से रिश्वत मांगी गई थी। सरकारी संस्थानों में भी होगा 4 वर्षीय बीएड कोर्स। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि अब टीचर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इंटरमीडिएट के बाद ही बीएड में दाखिला लिया जाएगा और संबंधित विषय के स्नातक के साथ ही बीएड की डिग्री विद्यार्थियों को मिलेगी। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि अब वर्ष 2030 के बाद 2 साल के बाद बीएड कोर्स की कोई मान्यता नहीं रहेगी। बता दें इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अधीन संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में भी चरणावर ITEP लागू होगा और इसके तहत इंटरमीडिएट के बाद बीएड की डिग्री 5 साल के बजाय 4 सालों में पूरी होगी। वहीं अगर कोई विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई कर वैसे छोड़ देता है तो वह नर्सरी कक्षा के बच्चों को पढ़ा सकता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति इस पढ़ाई को 2 साल में छोड़ता है तो उसे DLED की डिग्री मिलेगी। बिहार में पीएम आवास के निर्माण की 3 स्तरों पर होगी समीक्षा। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रही आवासों की गुणवत्ता की जांच अब थर्ड पार्टी इंजीनियरों से कराई जाएगी। बता दें कि इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग की एजेंसी बुडा के द्वारा इसके लिए एजेंसी की तलाशने की शुरुआत कर दी गई है। मालूम हो कि जिन भी एजेंसी का चयन किया जाएगा वह एजेंसी हाउस फॉर ऑल के तहत शहरी निकायों में स्लम पुनर्विकास, किफायती आवास और लाभार्थी आधारित निर्माण के तहत बनने वाले आवासों के निर्माण की समीक्षा कर 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवासों की समीक्षा 3 स्तर पर की जाएगी। पहली जांच 10-15% प्रगति पर, दूसरी 50-60% प्रगति पर और तीसरी 85-100% प्रगति पर होगी। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे पादरी की हवेली के बारे में। पादरी की हवेली, जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, पटना का सबसे पुराना चर्च है और वास्तव में बिहार का। जबकि चर्च को पहली बार 1713 में बनाया गया था। आज हम जो संरचना देखते हैं उसे 1772 में वेनिस के वास्तुकार तिरेटो द्वारा डिजाइन किया गया था। यह चर्च 1763 में नवाब मीर कासिम और 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के दौरान सहित कई हमलों को झेल चुका है। यद्यपि गोथिक इमारत में कई आधुनिक स्पर्श या काफी हद तक अच्छी तरह से संरक्षित है और इतिहास और विरासत स्मारकों में रुचि रखने वालों को अवश्य जाना चाहिए। पटना जू में अब होगा ब्लैक पैंथर का दीदार। बिहार की राजधानी पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में बहुत जल्दी लोगों को ब्लैक पैंथर का दीदार होने वाला है। दरअसल संजय गांधी जैविक उद्यान में ब्लैक पैंथर आने वाला है। इसके साथ ही लोक गिब्बन और एक मादा गैंडा भी आने वाली है, जो आज पहुंच जाएंगे। हालांकि इन जानवरों का दीदार आम लोग 21 दिनों के बाद ही कर सकेंगे, क्योंकि इन 21 दिनों तक इन जानवरों को क्वारंटाइन कर रखा जाएगा। मालूम हो कि इन जानवरों के लिए 2.20 करोड़ रुपए की लागत से केज बनाया गया है। दरअसल इन नए मेहमानों का स्वागत संजय जैविक उद्यान में वन्य प्रणाली अदला बदली योजना के तहत किया जा रहा है। बता दें कि तीनों प्राणी चिड़ियाघर प्राणी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर समरेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में गुवाहाटी से लाए जा रहे हैं।
40,000 रुपए रिश्वत लेते दरोगा हुआ रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना के विजिलेंस की टीम के द्वारा शिकायत के आधार पर बिहार के लखीसराय में कार्रवाई की गई, जिसके तहत टीम के द्वारा मामला का सत्यापन कर दरोगा और चालक को अपनी गिरफ्त में लिया गया। बता दें, गिरफ्तार किया गया दरोगा और चालक लखीसराय के मेदनी चौकी थाना के थानाध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह और किरण कुमार है, जिन्हें विजिलेंस की टीम के द्वारा रंगे हाथ 40,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बता दें, इस गिरफ्तारी को लेकर निगरानी के डीएसपी संजय जायसवाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कार्रवाई थाना क्षेत्र के खावा चंद्र टोला निवासी महेंद्र महतो की पत्नी नीला देवी के द्वारा किए गए शिकायत के आधार पर की गई है। मालूम हो कि दरोगा के द्वारा भूमि विवाद से संबंधित डीसीएलआर लखीसराय द्वारा विवादित जमीन पर कार्य पर रोक लगाने के लिए घूस की मांग की जा रही थी। बिहार में 9 खनिज ब्लॉक की होगी नीलामी। बिहार में 9 खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए बिहार सरकार की ओर से ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट लिमिटेड को काम करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि यह कंपनी आकलन करेगी कि खनिज ब्लॉक में कितने खनिज पदार्थ है। इसके साथ ही बिहार सरकार की ओर से यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य के कई जिलों के खनिज ब्लॉक का ऑक्शन भी किया जाएगा, जिनमें जमुई जिले के मेचोस में मैग्नेटाइट खनिज ब्लॉक, रोहतास के पिपराडी भुड़वा में ग्लूकोनाइट खनिज ब्लॉक, रोहतास जिले के चुटिया नौहट्टा में ग्लूकोनाइट खनिज ब्लॉक कैमूर एवं रोहतास जिले के अधौरा में ग्लूकोनाइट खनिज ब्लॉक, रोहतास के विंधुयान सुपर ग्रुप को शाहपुर अकबरपुर क्षेत्र के ग्लूकोनाइट, औरंगाबाद और गया जिले का खनिज ब्लॉक, मुंगेर जिले में बॉक्साइट सहित अन्य खनिज ब्लॉक, रोहतास जिले के भोड़ा कटरा में लाइमस्टोन और गया व जहानाबाद जिले में मैग्नेटाइट एल्मेनाइट और मिनरलाइजेशन शामिल है। बिहार में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। बिहार मॉनसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि आईएमडी बिहार के द्वारा राज्य में 30 तारीख तक यानी कि कल तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि आईएमडी बिहार के द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में आज यानी कि 29 जून को एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, खगड़िया जिले में एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया जिलों में एक दो स्थानों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कल यानी कि 30 जून के लिए जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिलों के एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। डोमिसाइल नीति में बदलाव पर भर के शिक्षक अभ्यर्थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किए गए शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए डोमिसाइल नीति में बदलाव कर दिया गया था, जिस पर बीते दिन शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा विरोध किया गया। इस दौरान विरोध कर रहे अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया कि कुछ दिनों पहले सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई थी और कहा गया था कि शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से की जाएगी, जो राज्य स्तरीय परीक्षा लेगी, लेकिन अब डोमिसाइल नीति में बदलाव कर हम लोगों का हक छीना जा रहा है। सरकार हम लोगों को दूर बनाना चाहती है, ऐसे में अब आड़ पार की लड़ाई होगी, इसलिए सरकार इस संशोधन को वापस ले 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सूपड़ा साफ कर देंगे। टैलेंटेड अभ्यर्थी इस बहाली की प्रक्रिया में शामिल होंगे, यह बोलकर शिक्षा मंत्री बिहारी छात्रों का मजाक बना रहे हैं। अब राज्य में तिल तीसी और मोटे अनाज के बीज की नहीं होगी कमी। राज्य में तिल तीसी और मोटे अनाज के बीज की कमी ना हो, इसके लिए कृषि विभाग के 237 फार्म पर इन फसलों का फाउंडेशन बीज तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही फार्म पर अन्य फसलों का भी बीज तैयार किया जाएगा, जिसमें खरीफ, कर्मा और रबी के फसल शामिल होंगे। दरअसल बिहार सरकार की ओर से बीज के उत्पादन में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद चल रही है, इसलिए सरकार की ओर से इसकी शुरुआत की गई है। बता दें कि इस कार्य को करने के लिए बिहार सरकार की ओर से 14,91,00,000 रुपए भी कर दिए गए हैं। मालूम हो कि बीज उत्पादन करने से फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा राज्य के किसानों को भी आसानी से बीज उपलब्ध हो सकेंगे। बता दें कि इसमें जैविक खेती को भी ध्यान में रखते हुए जैविक बीज का उत्पादन किया जाएगा। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को दी मंजूरी। जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब केंद्र सरकार की ओर से जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की मंजूरी दे दी गई है। मालूम हो कि केंद्र की ओर से इसे स्वैच्छिक बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय के द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। मालूम हो कि जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि इस प्रक्रिया को जनरल के कार्यालय के साथ साथ जनगणना कमिश्नर भी मान सकते हैं। दरअसल सरकार के द्वारा यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि सेवाओं तक बेहतर पहुंच और जीवन को आसान बनाना है, ताकि भारतीयों को बेहतर रहन सहन मिल सके।
शिक्षक अभ्यर्थियों की चिंता में सुशील मोदी ने पूछा ये सवाल। एक बार फिर से शिक्षक नियमावली 2023 में हुए संशोधन के बाद सियासत गर्मा गई है। बता दें कि अभी इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे को मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक इस नियमावली में 8 बार संशोधन हो चुका है। ऐसे में अब एक बार फिर से सरकार की ओर से ऐसा फरमान दिया गया है कि देश के दूसरे राज्यों के लोग भी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे में अब मुझे चिंता है कि बिहार के छात्र कहां जाएंगे, उनसे उनका हक छीना जा रहा है। शिक्षा मंत्री अपने बयान से बिहार की प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में तो अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के तेज तर्रार छात्र हैं। सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से बनते हैं। आईआईटी में जा रहे हैं सीटीईटी, एसटीईटी, बीटीईटी परीक्षा क्वालिफाई कर चुके शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन नई शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 के तहत फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। आखिर जो लोग पास कर चुके हैं वह कितनी बार परीक्षा देंगे। विपक्षी एकता को मिला जोरदार झटका। पिछले 23 जून को ही बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक की गई थी, जिसमें कई विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। लेकिन अब इस विपक्षी एकता पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के द्वारा एक बड़ा झटका दिया गया है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की ओर से यह ऐलान कर दिया गया है कि वह दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। मालूम हो कि इस बात की जानकारी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान वह आम लोगों के बीच अपनी बातों को रखेंगे और कहेंगे कि केंद्र का अध्यादेश उनके खिलाफ है। जल संसाधन मंत्री ने बगहा में देखा कटाव निरोधी कार्य। बिहार में मॉनसून से होने वाले बाढ़ व कटाव की समस्या से निपटने के लिए सुरक्षात्मक कार्य पूरे हो चुके हैं, वहीं कुछ तटबंधों पर अभी भी यह कार्य जारी है। ऐसे में बीते दिन इन कार्यों का जायजा लेने के लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा बगहा और वाल्मीकि नगर पहुंचे, जहां उन्होंने बगहा से गुजरने वाली गंडक नदी के किनारे बाढ़ निरोधक कार्यों का जायजा लिया और कहा कि अब कहीं भी खतरे की कोई आशंका नहीं है। बता दें कि इस दौरान संजय झा के द्वारा बगहा के पारस नगर, आनंद नगर और शास्त्री नगर जैसे कटाव स्थलों का जायजा लिया गया और साथ ही विभाग के वरीय अधिकारियों समेत जिलाधिकारी से बातचीत कर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने निरीक्षण के दौरान कहा कि अब कहीं कोई खतरा नहीं है। इस इलाके में बाढ़ विकराल रूप तब लेती है जब नेपाल में ज्यादा बारिश होती है और उसके द्वारा गंडक नदी में पानी छोड़ा जाता है। ऐसे में गंडक नदी पर कोई भी बांध बनता है तो वह सिंक होता है। इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अब कहीं कोई समस्या नहीं है। वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी को लेकर सौरव गांगुली का बयान। इस बार भारत वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करने वाला है, जो कि लगभग 12 साल बाद हो रहा है। ऐसे में भारत की ओर से किए जा रहे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी को लेकर भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत में होने वाले वर्ल्ड कप की तरफ देख रहा हूं। कोविड की वजह से अध्यक्ष रहते हुए टूर्नामेंट का पहले मजा नहीं उठा सका था। क्या शानदार टूर्नामेंट होगा यह। बेहतरीन वेन्यू का चुनाव किया गया है। भारत की तरह किसी भी देश के पास इतने वेन्यू उपलब्ध नहीं है। बीसीसीआई इस टूर्नामेंट का आयोजन इस तरह करेगी कि दुनिया याद रखेगी, जैसा रोजर बिन्नी और सभी अधिकारियों और स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय टीम को टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से 8 अक्टूबर को भिड़ना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत और अमेरिका में 2005 को समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ। सचिन तेंदुलकर ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फ्यूचर कप के दूसरे मैच में आंतरे नल की गेंद पर वनडे करियर के 15,000 रन पूरे किए। भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीता। पर्यावरण से जुड़ी गैर सरकारी संस्था जनहित फाउंडेशन को 2008 में पर्यावरण क्षेत्र का प्रसिद्ध पुरस्कार आईकॉम पुरस्कार प्रदान किया गया। मानव तस्करी के निगरानी सूची से 2011 में भारत को बाहर कर दिया गया। 6 साल के अंतराल के बाद अमेरिका ने भारत को मानव तस्करी के निगरानी सूची से बाहर किया था। शारा नेहवाल ने 2014 में ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती। हिंदी के प्रथम तिलस्मी लेखक देवकी नंदन खत्री का जन्म 1861 में हुआ था। भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म 1901 में हुआ। भारतीय साहित्यकार पत्रकार मेहता लज्जाराम का निधन 1931 में हुआ। भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार केजी सुब्रमण्यम का निधन 2016 में हुआ। वेलकम, आज हम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक लिंक के साथ एक संदेश प्रसारित हो रहा है, जिसमें युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने का दावा किया जा रहा है और इसे बुक करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करने के लिए व्यक्तिगत विवरण मांगा जा रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि परिचालित लिंक और संदेश फर्जी है, व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधान रहे।
व्हाट्सएप बिजनेस में जल्द ऐड होंगे ये फीचर्स। मेटा ने व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स के लिए दो फीचर्स अनाउंस किए हैं, हालांकि अभी ये रोल आउट होना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इन दोनों फीचर की जानकारी कंपनी के आधिकारिक चैनल के माध्यम से शेयर की है। अब बिजनेस यूजर्स बिना फेसबुक अकाउंट के भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए एड्स बना पाएंगे। साथ ही छोटे बिजनेसेस अब अपने ग्राहकों से आसानी से जुड़ सकते हैं। कंपनी ने इसके लिए पेड मैसेजेस की शुरुआत की है। इसकी मदद से वे कुछ चार्ज देकर ग्राहकों को व्यक्तिगत संदेश जैसे अपॉइंटमेंट से जुड़ी जानकारी, जन्मदिन की शुभकामनाएं या छुट्टियों पर चल रही स्पेशल सेल की जानकारी दे पाएंगे। इससे छोटे व्यवसाय को फायदा ये होगा कि वे एक ही संदेश को कई ग्राहकों को मैनुअल रूप से भेजने के बजाय सभी को अलग अलग पर्सनलाइज मैसेज कर भेज पाएंगे। इसके अलावा बिजनेस ओनर संदेश भेजने का दिन और समय भी निर्धारित कर पाएंगे। शेयर मार्केट ने रचा इतिहास। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार की ओर से ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया गया है। बता दें कि सेंसेक्स पहली बार 64,000 के आंकड़ों को पार कर गई है, तो वहीं निफ्टी भी पहली बार 19,000 के कई हाई लेवल पर ट्रेड मिला। मालूम हो कि इस वजह से निवेशकों को 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक अमीर हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेयर मार्केट में तेजी लाने के पीछे जिन शेयरों का योगदान रहा है उनमें टाइटन, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, इंफोसिस और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर शामिल हैं। मालूम हो कि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 हरे निशान पर रहे, तो वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 47 तेजी के साथ ट्रेंडिंग पर रहे। हालांकि इस दौरान जिस 3 शेयर में गिरावट देखी गई उसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटल एंड कंज्यूमर रिलेटेड शेयर रहे। बीते दिन हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, संजीत कुमार सुमन, कृष्ण कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, विकास दास, मोहम्मद जहीद, अनुज कुमार यश, सत्यम कुमार, नुनू गोलू कुमार, पंकज कुमार दास, शंकर मुखिया, अरविंद कुमार, अर्जुन राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में वर्तमान में टमाटर की क्या कीमत है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।